अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो। आप देख रहे हैं कुकिंग विद उज़मा बाबर और मैं हूं आपकी होस्ट उज़मा बाबर। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके साथ कोकोनट मैक्रून की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो नोट कर लें। डेसिनेटेड कोकोनट है यहाँ मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम, बिल्कुल मामूली सा थोड़ा सा पिंक फूड कलर हमें चाहिए। शुगर हमें चाहिए 100 ग्राम और एग वाइट हमें चाहिए 2 अदद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हम अपना ओवन प्रीहीट कर लेंगे 180 डिग्री फॉरेनहाइट और 360 सेंसियत पे हम इसको प्रीहीट कर लेंगे। इसके अलावा हम अपनी बेकिंग ट्रे को भी ग्रीस करके रख लेंगे। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले एग वाइट को हम अच्छा सा फेंट लेंगे और बिल्कुल फ्लफ़ी और वाइट कर लेंगे। एग वाइट को मैंने फ्लफ़ी कर लिया है, क्रीमी कर लिया है, आप देख सकते हैं कि जब हम इसको उठाएंगे तो ईजीली नीचे नहीं आएगा, इसका मतलब कि ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। अब इसके अंदर हम फूड कलर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता शुगर और कोकोनट को शामिल करते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। बिल्कुल आहिस्तगी के साथ करना है, वरना ये अंडा जो हमने फ्लफ़ी किया है ये बैठ भी सकता है। बस अब ये तैयार है, अब इसको हम बेक करेंगे। मिक्सचर रेडी है हमारा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको चम्मच की मदद से छोटे छोटे बॉल्स ले लें, या अपने हाथों की मदद से हम इसको बहुत आसानी के साथ छोटे छोटे बॉल्स बनाकर, दमाना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस हल्के हाथ से इसको इस तरह सेट करके यहाँ पर इस तरह हम असेंबल करते जाएंगे। मैक्रोन्स अब बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसको बेक कर लूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट। जब इस पर हल्का सा कलर आने लगेगा तो मैं इसको बाहर ले लूँगी। कोकोनट मैक्रोन अब तैयार हैं। अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ। कोकोनट मैक्रोन सर्विंग के लिए तैयार है। चाय के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं, टी टाइम में हम इसको सर्व कर सकते हैं, टी पार्टी पे हम इसको सर्व कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी हम इसको डाल सकते हैं। बच्चे स्पेशली इसको बहुत लाइक करेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।